डीएम की गाय का कुछ प्रकरण चल रहा है, क्या है पूरा मामला? डीएम साहब ने अभी 2/11/17 को हमें गाय दिया था अपने आवास से, अपने आवास से, तो इसकी हम सेवा कर रहे थे। अभी 27/11/18 को रात को 9:30 और 11 बजे के बीच में ये चोरी हो गई। हम 9 बजे तक, मैं खुद जग रहा था 9 बजे तक, तो देखता रहा यहाँ पर, और उठ के हम, क्यों गाय बच्चा देने वाली थी तो हमारे ऊपर बांध रखी थी उसको, और डीएम साहब गाय साहब के सब उसमें साथ बंधी रही हुई थी, वो भी गाभिन थी। तो रात को 9 बजे हम जगे, तो हम सो गए, उसके बाद चले गए, 11:30 बजे करीब उठे हों, और उठने के बाद में देखा कि गाय यहाँ नहीं है, उनको बच्चा देने वाली क्यों बार बार उठे देखना, जब जैसे नींद खुलेगी वो देखने जाते थे देखने के लिए उसको कि भाई बच्चा तो नहीं दिया कहीं। तो जिनकी आँख, जब गाय ने एक आवाज़ दिया तो उन्होंने देखा कोई गाय छूट गई है या गाय ने बच्चा दे दिया है, तो उठ के वहाँ गए तो देखा उन्होंने कि गाय नहीं मिली उनको। तब उन्होंने आसपास देखा नहीं मिली, तो उन्होंने फिर हमको जगाया कि भाई गाय ने कहाँ बांधी थी, हमने कहा गाय तो यहीं बांधी थी कि नहीं मिला। फिर उन्होंने पूरा एरिया देखा, फिर हमने अपने पेड़ों के अंदर देखा भाई, जब हमने कहा देखो ये पेड़ बैरिकेटिंग क्या बांध रखी थी रस्सी, यहाँ पे नहीं है, तो खोल के देखा, फिर वो देखा हमने कहीं तार जब बाहर नहीं है तो देखो कहीं तार तो निकल, तार टूट के निकल गया होगी, तो देखा तार काटे हुए जैसे एकदम काट देते हैं लोहे कटी हुआ तार मिले को नहीं मिले। अच्छा, इसकी कहीं शिकायत करिए? हाँ, हमने थाना हरचंदपुर उसी समय रात को 12 बजे करीब जैसे फ़ोन नहीं मिला गाय हमें, तो फिर 100 नंबर को फ़ोन किया, 100 नंबर वाले आए लेकिन स्पॉट यहाँ तक नहीं आए, वो गांव के अंदर तक आए, हमें बुला लिया कि भाई अब गाय को आप 2-4 लोग मिल करके देखते रहिए। क्या इस संबंध में डीएम का भी से कोई बात हुई क्या? अभी डीएम साहब से बात नहीं हुई लेकिन हम उसका, अच्छा क्या कीमत रही होगी उसकी? 40-45 हज़ार तो की कीमत रही।